अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल यम्मी फूड विद सना। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार, सिंपल, इजी, झटपट से बनने वाली इफ्तार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हम बनाने जा रहे हैं चटपटे लाल आलू। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चटपटे लाल आलू की रेसिपी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा तेल गरम होगा वैसे हम इसमें बघार का सामान डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के राई। तो राई इसमें थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी हींग और 10 से 15 हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इस तड़के को हम अच्छे से तड़कने देंगे। ये हमारा बघार हम रेडी कर रहे हैं, इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए बघार हमारा अच्छे तरीके से भून गया है। तो जब हमारे बघार में से खुशबू आने लगेगी तब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें बहुत ही थोड़ा डालना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे तरीके से लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो खत्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से पक जाए। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, इसमें अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में सारे मसाले निकाल लिए हैं। 2 टीस्पून भर के मैंने लिए कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर। 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है काली मिर्चों का पाउडर। अब मैं इसमें डाल दूंगी मैगी का मसाला। तो यहाँ मैंने 1 पैकेट मैगी मसाला लिया है, जिसमें से मैं सिर्फ 1/2 पैकेट ही मसाला इसमें डालूंगी, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 4 से 5 टेबलस्पून के करीब पानी, क्योंकि हमने सारे ड्राई मसालों को डायरेक्ट तेल में डाला है तो जब हम इसे भूनेंगे तो वो जल जाएंगे, इसीलिए हमने इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी और मसाले को हम लगभग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, तब तक जब तक कि सरफेस पे ऑयल नहीं आने लग जाता। तो ये देखिए मसाला हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, ऑयल भी सरफेस पे आ गया है। तो इस पॉइंट पे अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसे मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया और इसके ऐसे छोटे छोटे पीस कट कर लिए। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसके जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे, ताकि ये जो मसाला हमने रेडी किया है वो आलू के साथ अच्छे तरीके से मिल जाए और आलू पे सारा मसाला अच्छे तरीके से कोट हो जाए। तो हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, हल्के हाथों से आप मिलाइएगा वरना आपके जो आलू है वो टूट जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पानी। मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इमली ली थी, जिसे मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था, फिर मैंने उसे हाथों से मैश करके उसका ये पानी निकाल लिया। ये हम इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसे आलू के साथ मिला लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसमें काफ़ी लिक्विड दिख रहा है। तो अब हम इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये जितना भी लिक्विड है ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए और ऐसा करने से ये जितने भी मसाले के फ्लेवर है हमारे आलू में अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ मैं इसे कर दूंगी कवर। कवर करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा के हमारे आलू को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सारा लिक्विड अब्जॉर्ब हो गया और कितनी गाढ़ी ग्रेवी जैसी इसकी तैयार हो गई है और ये सारा मसाला हमारे आलूओं पे अच्छे तरीके से लग गया है। तो बस गैस के फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करके इसे 1 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें लिक्विड बचा है वो भी पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए और ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने आलू को अच्छे तरीके से भून लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा मसाला आलू पे अच्छे तरीके से कोट हो गया है। अब आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ मैं इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसे मिला लूँगी, ताकि हरे धनिया का फ्लेवर इसमें आ जाए। तो बस हमारे चटपटे लाल आलू रेडी हो गए हैं। तो चलिए इसे जल्दी से करते हैं डिश आउट। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार चटपटे लाल आलू हो गए हैं रेडी। जैसे कि आपने देखा इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान था, बहुत ही सिंपल इसकी रेसिपी थी और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं। इसका फ्लेवर खट्टा तीखा बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरे ये चटपटे लाल आलू की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल यम्मी फूड विद सना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।